फिर से पोस्टपोन। हाँ भाई साला हो गए फिर से पोस्टपोन, और इसको लेके न्यूज पोर्टल वाले मचा रहे धमाल। एक एक न्यूज पोर्टल के हिसाब से तो सालार अब तक पोस्टपोन भी हो चुका है, लेकिन क्या है असली खबर, क्यों हो गया सालार पोस्टपोन और क्या है असली न्यूज, यही जानना है ना आपको, वही बताएंगे आज के इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो सालार आने वाला था 28 सितंबर को, लेकिन उस समय भी शाहरुख खान का जवान आया हुआ था और इसी के चलते सालार का कुछ काम है बोल के इसको पोस्टपोन किया गया 22 दिसंबर को, लेकिन वहाँ पर भी शाहरुख खान मौजूद है। हाँ भाई साहब करीबन डेढ़ साल पहले से शाहरुख खान का डंकी उस टाइम पे बुकिंग है, लेकिन अचानक से सालार कर देता है 22 तारीख को रिलीज होगा। ऋषि का क्लैश को चलते हुए दोनों फिल्म का तो नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, और इसीलिए अब खबर आ रहा है सालार को कर दिया गया है पोस्टपोन। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। लेकिन इसी के चलते सालार और डंकी का एक साथ क्लैश होने पे क्या नुकसान या फायदा होगा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, डंकी तो इस डेट पे आने वाला ये तो फिक्स था, और डंकी अभी 21 दिसंबर आने वाला है ये तो लगभग कंफर्म हो ही चुका है, लेकिन सालार को लेके अभी डाउट है, और वही है सबसे बड़ा इशू। क्यों बताते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई किसी को बाधा करते हो पहली बार में निभा नहीं पाता तो फिर माना जाता है, दूसरी बार फिर ठीक है, लेकिन तीसरी बार आते आते उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है, मतलब वो बंदा जो बोला आखिर वो कर पाएगा या नहीं ये भरोसा ही उठ जाता है हमारा। और यही चीज होने वाला है इस फिल्म के साथ, क्योंकि पहली बार 28 सितंबर को आने वाला था, फिर चेंज करके 22 दिसंबर किया, उसके बाद फिर से पोस्टपोन करके इस फिल्म को मार्च अप्रैल पे ले जाने के लिए कोई बात ही नहीं बनता, मतलब अब तो लगने लगा है इस फिल्म का मेकर्स का खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अरे भाई डंकी रिलीज हो रहा है होने दो, दूसरा मूवी रिलीज हो रहा है होने दो, लेकिन खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, खुद के मूवी के ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो कभी भी रिलीज कर दो वो मूवी नहीं चलेगा। गजब बेइज्जती है। और ऐसे भी प्रभास का पिछले कुछ मूवी उतना चला नहीं है, लेकिन सालार को लेके बहुत हाइप है लोगों के मन में, और इस चीज को डूबने मत दो। भले ही फिल्म का मेकर्स के द्वारा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर कुछ ये न्यूज पोर्टल वाला बता रहा है सालार को कर दिया गया है पोस्टपोन। तो अगर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हो तो हम आपको यही क्लियर कर देंगे, ये फिल्म को 22 दिसंबर रिलीज करो, क्योंकि डंकी एक अलग जोनर का फिल्म है, उसमें ड्रामा कॉमेडी वाला होगा और सालार फुल एक्शन फिल्म है। इसके लिए फैन बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं सालार का। खैर इस फिल्म का टॉपिक ही तो एक्शन से जुड़ा हुआ है, और इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपया। आप अगर फिर से इसको पोस्टपोन करोगे इसका काम के लिए फिर खर्चा बढ़ेगा और लोगों के मन से हाइप कम हो जाएगा। अच्छा, और इस फिल्म का मेकर से लेके एक्टर एक्ट्रेस कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है इस फिल्म को लेके। बाय द वे इस फिल्म का कास्टिंग में प्रभास, श्रुति हसन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर। तो देखो भाई फिल्म भले ही डंकी के साथ रिलीज हो रहा है, लेकिन फिल्म को उसी डेट पे लाना चाहिए, नहीं तो लोगों के मन से हाइप कम हो जाएगा, और ये मेरा मानना है। अभी आपका कह रहा है और नीचे कॉमेंट पे बता सकते हैं। अभी अगर फिल्म को पोस्टपोन करना ही है, डंकी के साथ क्लैश अगर नहीं करना है, तो फिल्म का काम बचा है बोल के पोस्टपोन कर देगा, लेकिन यही चीज ठीक नहीं होगा। अभी आप ही बताओ क्या मेरा राय सही है, फिर आप कुछ और बोलना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट पे जरूर बताना। हम मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।